एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कल के मुकाबले आज ठंड से थोड़ी राहत मिली है। आज गर्म कम है और आज टेम्परेचर में भी इजाफा देखने को मिला है। कल के मुकाबले 1 डिग्री आज ज्यादा है टेम्परेचर। कल जो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था, आज 8 डिग्री हो गया है। और साथ ही जो ठंडी हवाएं चल रही थी उनमें भी कमी देखने को मिली है। थोड़ी राहत दिल्ली एनसीआर में जरूर आज देखने को मिल रही है। साथ ही कोहरा भी आज नहीं छाया हुआ है, लोगों को ये जरूर राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, कल के मुकाबले आज वाकई दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत मिली है ठंड से? जी जी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर जो तापमान में भी इजाफा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस का, और इसके साथ साथ ठंड में भी थोड़ी राहत मिल रही है फिलहाल। और कोहरे का जो प्रकोप है वो भी काफ़ी कम हद तक नज़र आया है। फिलहाल हम अक्षरधाम मंदिर के पास ही मौजूद है, NH24 फ्लाईओवर के पास से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किस तरह से विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। साफ तौर से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो अपने रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं। कोहरे का कोई भी प्रकोप नहीं दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी यही अनुमान लगाया है कि आने वाले 48 घंटे तक मौसम इसी तरह फिलहाल बना रहेगा, और इसके बाद 31 दिसंबर के जो दिन है उस दिन फिर से एक बार कोहरा वो अपना प्रकोप कोहरे का प्रकोप फिर से एक बार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की स्थिति यही है कि दिल्ली एनसीआर में जो कोहरे का प्रकोप है उससे लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि इसके साथ साथ ठंड से भी मामूली जो तापमान है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, और इसी तरह का मौसम कल भी बना रहेगा। तो फिलहाल की स्थिति यही है कि ठंड से लोगों को राहत आज जरूर मिलेगी। जी दिव्यांकर, अच्छी बात है ठंड से राहत लोगों को मिल रही है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से पारा गिरा था, दिक्कतें लोगों की बहुत बढ़ गई थी। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जताई गई थी कि 2-3 दिन बहुत ज्यादा घना कोहरा भी रह सकता है, ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, शीतलहर और ज्यादा बढ़ सकती है। तो फिलहाल कोई अपडेट ताज़ा मौसम विभाग की तरफ से जो मौसम में हम बदलाव देख रहे हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसे मौसम विज्ञानी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 25-26 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद मैदानी इलाकों में जो शीतलहर है वो लगातार चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद बीते रोज भी देखा गया कि जो शीतलहर की हवाओं की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा थी, 16 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी। और आज भी मामूली जो रफ्तार है उनकी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो शीतलहर हवाएं हैं जो चल रही हैं, जिसके चलते जो कोहरे का प्रकोप है वो भले ही देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ठंड से ज़रूर मौसम में ठंड बनी हुई है। तापमान भी थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन ठंड से राहत हल्की सी जरूर देखने को मिल रही है। कोहरे का प्रकोप कहीं भी साफ तौर पर फिलहाल दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया दिव्यांकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिन देखना होगा कि टेम्परेचर में इजाफा होता है या फिर पारा लुढ़कता है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि पारा अभी और ज्यादा लुढ़केगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।